वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको खमन ढोकला बनाना बताऊंगी, बिल्कुल ही मार्केट स्टाइल में। जैसे बाजार वाले जो ढोकले होते हैं, बिल्कुल ही प्लफी और स्पॉन्जी बनते हैं और उनकी जाली भी बहुत अच्छी आती है, तो उसी तरह का ढोकला मैं आज आपको बनाना बताऊंगी। आप देख सकते हैं हमारे ढोकले में कितनी अच्छी जाली बनकर आई है और कितना प्लफी और स्पॉन्जी ढोकला हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को देखने के लिए आइए शुरू करते हैं ढोकले बनाने। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप चाहिएगा हमें बेसन। बेसन को अच्छी तरह से छान लेना है ताकि इसमें किसी प्रकार का भी लम्स नहीं रहे और बैटर जो है बिल्कुल स्मूथ बनकर हमारा तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर बेसन को छान लिया है। साथ ही साथ हमने लिया है 1 कप सूजी। सूजी डालने से ढोकले का जो टेक्सचर है वो अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने खाली बाउल लिया है, उसमें हम इनको ऐड करेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी ऐड करना है, तो पहले हम इसको पानी ऐड कर लेते हैं। इस तरह इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ज्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है, बैटर को हमें थिक ही रखना है। आप देख सकते हैं इस तरह हमें बैटर को थिक ही रखना है, ज्यादा पतला नहीं करना है। अभी इसमें हमें कुछ चीजें और भी ऐड करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। 1/2 टीस्पून लेना है हमें हल्दी पाउडर, वो हम ऐड करेंगे। ये देखिए 1/2 टीस्पून से कम मैंने यहाँ पर सिट्रिक एसिड लिया है, इसे हम नींबू का शत भी बोलते हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है नमक, वो इसमें हम ऐड करेंगे। आप नमक कम ज्यादा अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर शुगर लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर आप चाहे तो डाल सकते हैं, यदि आपको खट्टा मीठा फ्लेवर पसंद आता है तो आप शक्कर को डाल सकते हैं, वरना नहीं भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर नींबू का रस डालूंगी और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह हमें बैटर चाहिए, इसको हमें 10 मिनट ढक के रख देना है। यदि ये गाढ़ा हो जाता थोड़ा सा हम पानी इसमें और ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको 10 मिनट ढक के रख देती हूँ। जब तक हम ढोकले का जो है पानी वो हम गैस पे चढ़ा देते हैं ताकि वो गर्म हो जाए। ये मैंने ढोकला बनाने का मेकर लिया है, इसमें मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब इसकी जो जाली आती है वो मैं लगा देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने जाली को लगा दिया है। अब इसको गैस पर रखेंगे, फुल फ्लेम पर अच्छा गर्म होने देंगे पानी को। आप देख सकते हैं खमन ढोकले का जो बैटर है हमारा अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा प्लफी भी हो गया है। अभी इसमें हम तेल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून तेल ऐड करूंगी और इसको अच्छे से एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। इस बैटर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम इनो फ्रूट सॉल्ट ऐड करूंगी, लेकिन कुछ लोगों को इसका यदि फ्लेवर पसंद नहीं आता है तो वह बेकिंग सोडा 1 टीस्पून डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इनो सॉल्ट डालूंगी। इनो सॉल्ट डालने से पहले हमें जिस बर्तन में खमन बनाने हैं उसको हमें ग्रीस करना है, तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इनो सॉल्ट ऐड करेंगे ढोकले के बैटर में। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून इनो सॉल्ट लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। एक बात का ध्यान रखना है हमें, इनो को ऐड करने के बाद तुरंत ही हमें अच्छे से जल्दी जल्दी से मिक्स करते हुए कंटेनर के अंदर डालना है। इस तरह हमें जल्दी करनी पड़ेगी ताकि ढोकला जो है अच्छी तरह कर फूल कर तैयार हो जाए। अब मैं इसमें इनो सॉल्ट ऐड करती हूँ।
और थोड़ा सा पानी भी मैं इसमें ऐड करूंगी। आप देख सकते हैं पानी डालने से कितने अच्छे बबल्स उठे हैं। इसको हमें जल्दी से मिक्स करना है अच्छी तरह से ताकि फ्लफी हो जाए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फूल गया है। अब मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ। इसको हमें कंटेनर के अंदर रखना है और जल्दी से लीड को बंद कर देना है। इसको मैंने रख दिया है, अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। मैंने इसको ढककर रख दिया है। अब हमें इसको 10 मिनट फुल फ्लेम पे रखना है, 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे और 5 मिनट हमें लो फ्लेम पर रखना है। कुल 20 मिनट हमें इसको पकाना है, फिर हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। आप चाहे तो खमन ढोकला माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। माइक्रोवेव में हमें 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। ये बेक हो रहा है जब तक हम इसका पानी तैयार कर लेते हैं। गैस पे मैंने पैन रखा है और 2 टीस्पून मैंने इसमें तेल ऐड किया है। तेल अच्छा गर्म हो जाए तब इसमें हम राई ऐड करेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं 2 टीस्पून ये मैंने राई ली है ये मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको चटकने देंगे अच्छी तरह से। जब ये चटकने लग जाए तब इसमें हमें हरी मिर्ची ऐड करनी है। ये मैंने हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को मैंने अच्छे से धोकर इस तरह से कट कर लिया है। अब ये मैं इसमें ऐड करूंगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिया है कड़ी पत्ता जिसे हम मीठा नीम बोलते हैं, ये भी हमें इसमें ऐड करना है। इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट तक हमें इसको चलाना है इस तरह ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 कप मैंने यहाँ पर पानी लिया है जो मैं इसमें ऐड करूंगी। फ्लेम को हम फुल कर देंगे। 1/2 टीस्पून से कम यहाँ पर मैंने नमक लिया है वो इसमें हम ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून से कम ही यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है वो भी मैं इसमें ऐड करूंगी। 1 पीच मैंने यहाँ पर नींबू का रस लिया है वो भी इसमें हम ऐड करेंगे। एक बार इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर शक्कर ऐड करूंगी और इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। यदि आपको खट्टा मीठा फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप शक्कर नहीं डालें। शक्कर डालने से टेस्ट अच्छा आता है। इस तरह हमें इसको मिक्स करना है। 5 मिनट हम इसको पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं गैस की फ्लेम को, अब हम बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं ढोकला हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्लेट रखी है, इसमें मैं ये ढोकला निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से निकल जाता है और कितनी अच्छी जाली बनकर हमारी तैयार हुई है। ये देखिए आपको मैं पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा स्पॉन्जी और प्लफी ढोकला हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जाली बनकर इसकी तैयार हुई है। शक्कर का जो पानी बनाया था वो इसमें हम ऐड कर देंगे धीरे धीरे। अच्छी क्वांटिटी में हमें इस पानी को ऐड करना है ताकि ये ऊपर से सूखे नहीं इस तरह से। अब हम इसे कट कर लेते हैं। कट अपनी इच्छा अनुसार बड़ा व छोटी साइज में कैसे भी हम कर सकते हैं। ये देखिए बड़ी आसानी से कट हो जाता है। ये देखिए इस तरह हमें इसको कट करना है। थोड़ी सी लेंगे हम धनिया पत्ती, उससे हम इसकी करेंगे गार्निश जिससे देखने में बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा है। एक खास टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो यह है कि बहुत से लोग जो है ढोकला बनाते समय इसमें दही डाल देते हैं। हमें इसमें दही नहीं डालना है क्योंकि दही डालने से जो है ढोकला हमारा ठोस बनेगा, बिल्कुल ही स्पॉन्जी और नरम नहीं बनेगा। इस तरह जो ढोकले का पानी हमने बनाकर रखा था, जब भी सर्व करें तो हम 1 टीस्पून जरूर उस पानी को उसमें ऐड करें जिससे ढोकला खाने में और भी
अच्छा लगे और उसका टेस्ट अच्छा आए। खमन ढोकले को हम इमली की खट्टी मीठी चटनी, कोकोनट चटनी या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, और आप चाहे तो ऐसे ही इसे हरी मिर्च के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जब भी ब्रेकफास्ट में खाना हो या लंच में खाना हो तो हम ढोकले को बनाकर खा सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही हलवाई से भी अच्छा ढोकला हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, एक पीस मैं आपको निकाल के बताती हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए कितना अच्छी हमारी इसमें जाली बनकर आई, आप देख सकते हैं। और कितना अच्छा स्मूथ और कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ हमारा ढोकला, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर की जाली भी आप देख सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ इस रेसिपी को शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।